अधिकतम 4 लाख रुपए तक का लोन देती है जो बच्चे लेके पढ़ सकते हैं और अपने जीवन को रोजगारमुखी शिक्षा में लगा सकते हैं। आज वहाँ रिक्शे वाले का भी बच्चा बिहार सरकार के कारण पढ़ सकता है, टेम्पू वाले का भी पढ़ सकता है, सब्जी बेचने वाले का भी, गुपचुप ठेला चलाने वाले का भी, यानी एक गरीब का बच्चा भी उतने प्रतिष्ठित संस्थानों में बिहार सरकार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पढ़ सकता है। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं सियाराम मिश्र घर सागरपुर पंडौल मधुबनी जिले का रहने वाला हूं और मेरी बीएड कॉलेज किरण टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज पंडौल रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर उत्तर में 2012 से संचालित है, जहां बीएड डीएलएड होता है। और पारा मेडिकल कॉलेज हमारी पंडौल और सकरी के बीच में श्री कृष्ण मिश्रा पारा मेडिकल कॉलेज, वो एफिलिएशन के प्रोसेस में है, वो भी 2 से 3 महीने में शुरू होने जा रही है। और वाइब्रेंट कंपनी जिसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, और ये कंपनी एजुकेशन के सेक्टर में बड़े बड़े संस्थानों, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, विश्वविद्यालयों को प्रमोट करती है और छात्र छात्राओं को अच्छे से अच्छे नामांकन में मदद करती है। सर, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से बच्चों को कैसे लाभ मिलता है, इसके बारे में? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहार सरकार की 7 निश्चय में से एक महत्वपूर्ण निश्चय है। इस निश्चय के तहत बिहार के कोई भी ऐसे नागरिक, कोई जात पात कुछ नहीं है, बिहारी होना चाहिए, बिहार में जन्म होना चाहिए, बिहार का ही आवासीय होना चाहिए, बिहार का ही आधार कार्ड होना चाहिए और बिहार के ही किसी स्कूल से, किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, पठन पाठन होना चाहिए। ऐसे छात्र छात्राओं को जिनकी उम्र 25 साल से कम है, उन बच्चों को लगभग 60 कोर्सेज में बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ देती है और इसके माध्यम से लगभग अधिकतम 4 लाख रुपए तक का लोन देती है जो बच्चे लेके पढ़ सकते हैं और अपने जीवन को रोजगारमुखी शिक्षा में लगा सकते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट के माध्यम से आपके संस्था से कौन कौन से यूनिवर्सिटी में बच्चे एडमिशन करवा सकते हैं और क्या विशेषता है उस कॉलेज की? देखिए, बिहार में कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, चाहे वहाँ की पढ़ाई अच्छी हो ना हो, वहाँ की प्लेसमेंट हो ना हो, ये तो दुर्भाग्य है ही अपने बिहार का कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री की संख्या ना के बराबर है, हमारे यहाँ कॉरपोरेट की संख्या, कंपनी की संख्या ना की बराबर है। हमारा ही बिहार ही पूरा देश चलाता है, लेकिन दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है, दूसरे जगह रोजी रोजगार के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का जो स्थिति है हमारे बिहार की, वो बहुत अनुकूल नहीं है। तो बिहार के बाहर, बिहार में तो कैसे भी कॉलेज में बिहार सरकार दे देती है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, लेकिन बिहार सरकार ने एक कमाल का काम किया हुआ है कि बिहार से बाहर जो जाएंगे तो लाखों कॉलेज हैं, लेकिन आपको सब में बिहार सरकार पैसा नहीं देगी। बिहार आपको पढ़ने के लिए बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ उसी कॉलेज में पैसा देगी जो NAC A ग्रेड मिनिमम हो, NBA रैंक्ड हो, NIRF रैंक्ड हो, यानी जो देश के प्रतिष्ठित कॉलेज हैं, जहाँ कभी करोड़पति के बच्चा पढ़ा करते थे, कभी बहुत बड़े पढ़ाई लिखाई के जानकार लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे। आज वहाँ रिक्शे वाले का भी बच्चा बिहार सरकार के कारण पढ़ सकता है, टेम्पू वाले का भी पढ़ सकता है, सब्जी बेचने वाले का भी, गुपचुप ठेला चलाने वाले का भी, यानी एक गरीब का बच्चा भी उतने प्रतिष्ठित संस्थानों में बिहार सरकार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पढ़ सकता है। और ऐसे बड़े बड़े संस्थानों में जैसे CV रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर, छत्तीसगढ़, शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान और पंजाब में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, ऐसे यूनिवर्सिटियों में हमारी कंपनी बच्चों को सम्मानपूर्वक हर तरह से सुख सुविधाओं के साथ भेजते हैं और नामांकन करवाने में हर मदद करते हैं, जहां बच्चे पढ़ के अच्छा रोजगार पा रहे हैं। स्टूडेंट क्रेडिट के माध्यम से सरकार मदद करती है, इसमें रिटर्निंग का क्या प्रोसेस है, ये भी थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, रिटर्निंग की स्थिति यह है कि जो बच्चा पढ़ने जाता है, कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, तो कोर्स ड्यूरेशन, जैसे मान के चलिए BCA, तो BCA 3 साल की कोर्स है, पॉलिटेक्निक मैट्रिक के बाद जो बच्चा करता है वो 3 साल का है, MBA ग्रेजुएशन के बाद करता है 2 साल का है, तो कोर्स ड्यूरेशन उसका एक कॉन्सेप्ट समझिए। कोई भी कोर्स है तो कोर्स का ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर, सूद फ्री है, इंटरेस्ट फ्री है, यानी अगर कोई बच्चा BTEC करने जा रहा है तो 4 साल + 1 साल, 5 साल तक उस पैसे की बिहार सरकार कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है। लेकिन उसमें रूल है कि 5 साल जब आपके ख़त्म हो गए तो आपके इंटरेस्ट चालू हो जाते हैं लड़कियों के लिए और हैंडीकैप के लिए, तो समझिए ऑलमोस्ट माफ है। एक तो कोर्स ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर इंटरेस्ट फ्री, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया BTEC का, अगर मान के चलिए कोई BCA करने गया तो 3 साल + 1 साल, 4 साल इंटरेस्ट फ्री, लेकिन उसके बाद लग कितना रहा है
तो लड़कियों के लिए और हैंडीकैप के लिए मात्र 1% साधारण ब्याज सालाना, यानी साल का सिर्फ 1% ना के बराबर है। लड़कों के लिए साधारण ब्याज 4% सालाना, और वो भी कितने दिनों में, 82 इंस्टॉलमेंट में, मतलब उसके बाद फिर 7 साल लगभग जोड़ लीजिए, 84 महीने का 7 साल होता है, 82 महीनों में देना है। और हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं नौकरी नहीं तो ऋण माफ, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा ऋण माफ के चक्कर में बच्चे ना पढ़ें, वही बच्चे जाके पढ़ें जिन्हें नौकरी चाहिए, पढ़ाई चाहिए, नौकरी करके ऋण सधाएं कि सरकार और गरीब बच्चों के, आपके और छोटे भाई बहनों को भी मदद कर सके। और ये योजना रुके नहीं, बल्कि एक कमाल का एक योजना है, बिहार को आगे बढ़ाने की योजना है, शिक्षा को आगे बढ़ाने की योजना है, बच्चों को जीवन बदलने की योजना है, और ये अनवरत चलनी चाहिए। अभी आपने बहुत सारे कोर्स के बारे में बताया है, कोर्स अगर विद्यार्थी सही रूप से कर लेता है तो कोर्स करने के बाद जॉब की क्या उसमें वैकेंसी है, क्या है इसका बारे में ये भी बताइए। जैसे मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि जब बिहार से बाहर आप जाते हैं तो आपको नैक ए ग्रेड के कॉलेजेस में एडमिशन होगा, तभी आपको बिहार सरकार पैसा देगी, और नैक ए ग्रेड ऐसे नहीं मिलता है। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि इस बिहार में, बगल के स्टेट झारखंड में, ऐसा कोई कॉलेज जो इंजीनियरिंग की कोर्स कराता हो, बीबीए बीसीए कराता हो, पॉलिटेक्निक कराता हो, ऐसा एक भी प्रोफेशनल कॉलेज है जो प्रोफेशनल कोर्सेज कराती हो, उसको एक भी कॉलेज यूनिवर्सिटी को नैक ए ग्रेड प्राप्त नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि बड़ी टफ है नैक की ग्रेडिंग, नैक की ग्रेडिंग उनको मिलती है जहाँ पे बच्चे पढ़ के कम 50% बच्चों को नौकरी मिलती हो, बच्चे को इंसाइक्लोपीडिया की संख्या ज़्यादा मिलती हो, जर्नल की संख्या ज़्यादा मिलती हो, पठन पाठन की हाईटेक व्यवस्था हो, ई लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, उसके पढ़ाने वाले शिक्षक कमाल के हों, योग्य हों, ज़्यादा पढ़े लिखे हों, मतलब इतनी सारी चीज़ों को चेक किया जाता है, इतने सारे मापदंड हैं कि जब वो मापदंड आप पूरा करते हैं और उतने ऐसे कॉलेज में जाते हैं तो 50% से 80% तक बच्चे को प्लेसमेंट मिलती है। लेकिन अगर कोई बच्चा कसम खाए हुए है कि हमारे बाबूजी हमको नहीं सुधार पाए, तो किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की औकात है हमको सुधार देगी, ऐसे बच्चे को तो पढ़ने कहीं नहीं जाना चाहिए, उसको कोई नहीं सुधार पाएगी, कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन अगर 100 बच्चे एक ही जैसा बेंच डेस्क, एक ही क्लासरूम, आखिर उसमें फर्स्ट डिवीजन क्यों करता है, फेल भी क्यों करता है, सेकंड भी क्यों करता है, थर्ड भी क्यों करता है, लेकिन प्लेसमेंट, जैसे बिहार में दिक्कत है प्लेसमेंट की, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं नैक ए ग्रेड के संस्थानों में जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, तो लेकिन प्लेसमेंट, जैसे बिहार में दिक्कत है प्लेसमेंट की, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं नैक ए ग्रेड के संस्थानों में जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, तो वहाँ 50% से 80% बच्चे को भाई साहब नौकरी मिलती है, तो इन बच्चों की भविष्य सुरक्षित हो जाती है, गार्जियन टेंशन फ्री हो जाते हैं, और वो बच्चे हमारे भारत के एक जानदार शानदार नागरिक बनते हैं, और भारत की मान मर्यादा प्रतिष्ठा के साथ साथ अपने समाज का, अपने घर का मान मर्यादा प्रतिष्ठा भी बढ़ाते हैं। अभी यह जो वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, अभिभावक देख रहे हैं, छात्र छात्रा देख रहे हैं, उससे क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जिनके अकाउंट में 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ है, उनको तो पता है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या है, वो तो अपने बच्चों के लिए अपना पैसा बचा लेते हैं, सरकार का 4 लाख योजना का लाभ उठा लेते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, हमारे समाज में हर जात में गरीब है, गरीबी ही एक जात है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं, उन बच्चों को पता तक नहीं चल पाता है कि ऐसी भी कोई योजना है जिस योजना का लाभ उठा के हमारा बच्चा भी इंजीनियर बन सकता है, हमारा बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है, हमारा बच्चा भी बीबीए बीसीए कर सकता है, हमारा बच्चा भी रोजगार पा सकता है। तो आपके चैनल से, आपके चैनल के माध्यम से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन होगा, खास करके जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, कोचिंग वाले हैं, ट्यूशन वाले हैं, वो लोग गरीब छात्रों को मदद करें, सही दिशा निर्देश दें और उनके पठन पाठन में सहयोग करें, और उसमें हमारी कोई जरूरत पड़ती है तो मैं हर सहयोग के लिए हमेशा सदैव तत्पर हूँ। अगर कोई व्यक्ति कोई भी तरह का ये एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपसे कहाँ संपर्क कर सकते हैं? हमारी आपके इस मिथिलांचल में तो 2 ऑफिसेस है, मधुबनी में, मधुबनी रेलवे स्टेशन के बस 200 मीटर आगे अतिथि भवन में हमारी ऑफिस है, और दरभंगा में हमारी जो कॉरपोरेट ऑफिस है वो लहरिया सराय में है, वीआईपी रोड में है, यूनियन बैंक के ऊपर में है, और प्रिंस होटल के सामने में है, 10 वर्षों से है। तो हमारे ये दोनों ऑफिस दरभंगा और मधुबनी में कार्यरत हैं, और हमारा जो मोबाइल नंबर है 9955102010, इस नंबर पर संपर्क कर आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को
फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।